बहे तेरी रग में, तुझसा कहां कोई जग में उड़ा रहा। एक श्लोक के साथ इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के दिन सब सबके लिए बहुत खास है, टीचर्स डे है। इस खास मौके पर हम अपने टीचर के सम्मान करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं नंदिता और मैं शिप्रा, आप सभी के साथ टीचर्स डे पे इस खास मौके पर कुछ प्रोग्राम अरेंज किए और इस टीचर्स डे पे हम अपने टीचर्स को सम्मानित करेंगे। तो सबसे पहले प्रदीप सर के लिए एक शायरी है जो हम लोगों ने लिखी है। सूट की फिटिंग ऐसी कि टूटे ना क्रीज, मार्जिनल यूटिलिटी सर की लेक्चर की करती रहती इंक्रीज, अर्थशास्त्र हो या वो शास्त्र समाज, बातें सर की ऐसी करेला भी बना दे लजीज, 20 साल का एक्सपीरियंस है मजाक थोड़ी है बनना, नाम है सर का प्रोफेसर पदी। तालियों के साथ कुछ भी स्पीच बच्चे। इस मंच पर हमारे सम्मानित टीचर को आमंत्रित करना चाहूंगी जो अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। पहले हम सर के लिए एक शायरी लिखे हैं, वो कहना चाहेंगे। शांत रहते हैं सर जी हमेशा, लेकिन हमें कभी कभी हंसा देते हैं। नॉलेज इतनी ज्यादा है सर की कि उर्दू वालों को भी इकोनॉमिक्स की फैन बना देते हैं। स्मार्ट है, डैशिंग है, यंग जेंटलमैन, ये तो सर के सिनोनिम्स हैं। स्टूडेंट चाहे जितना भटक जाए प्यार से सही रास्ते पर ला ही देते हैं। जरा सा मुस्कुरा दे सर सबकी जान ही निकल जाती है। अनिल सर इज ग्रेट ग्रेट मींस महान। अनिल सर की कभी सुने नहीं है लेक्चर, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का कि ये प्रोग्राम आप अटेंड किए और हम लोग के सम्मान में इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और पहले तो मैं अपने टीचर को बधाई देता हूँ आज के दिन और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप हम लोगों को शरीक करवाए। सबसे पहले मैंने बताया मैं दो ही मिनट लूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, बच्चे अपना प्रोग्राम करेंगे। मैंने कहा ना कि जो टीचर होते हैं वो सिर्फ आपको किताबी नॉलेज जो है किताबी ज्ञान है वही सिर्फ नहीं देते, उसके लिए आप बैठ के घर पे किताब से पढ़ सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का युग है, यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, आपको डिग्री भी मिल जाएगी। लेकिन समाज एक सामाजिक प्राणी होने की वजह से समाज में क्या चल रहा है, कैसे उसे फेस करना है, इन सब को क्या इथिकल वैल्यूज है, इन सब के बारे में आपको किसी किताब में नॉलेज नहीं मिली। ये चीजें प्रैक्टिकल है और इसको आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही सीखते हैं और वो सिखाने वाले लोगों के वो गुरु है, इस वजह से हमेशा गुरु को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको कहीं पे किसी किताब में गिरो कर रखा नहीं गया, वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुरु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। थैंक यू अगेन। अब हम अपने कलीग मिस्टर आदित्य को एक पोयम के लिए यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। आदित्य तालियों से स्वागत करता हूँ तो हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ बीएस फर्स्ट सेमेस्टर। आपको मैं बताना चाहता हूँ मैं इंस्पायर्ड किससे हुआ ना, किससे हुआ हूँ आप लोग इसे देखकर हंस सकते हैं मैं किससे इंस्पायर्ड हूँ। दोस्तों मैं अजय देवगन की फिल्में देखकर इंस्पायर हो गया, बाद में मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और दोस्तों मैं अजय देवगन से इंस्पायर होकर उनकी फिल्में देखकर मैं बहुत अच्छी पोएम पैट्रियोटिक पोएम लर्न करके आऊँ। मैं आपको पोएम सुनाने वाला हूँ, जरा गौर करिए। जय हिंद वंदे वंदे। सरहद पे गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारो मेरी घोड़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चलूँ, धम धम ढोल बजे, तो कुछ ऐसा ही करना मुझे घोड़ी पे ले जाना, धम धम ढोल बजाना और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन कर आया है, बहू नहीं साथ लगा लाया सकत तो क्या बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमोजी,
कहते थे बच्चा तिरंगे लहरा कराना है, तिरंगे में लिपट कराना। मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली सीने पे खाई। मेरी प्यारी बहन उससे कहना, मुझे याद है उसका तोहफा, लेकिन एक अच्छी अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले भाई रात हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, वहां जाना, वही तो रहती जिसके साथ मैंने जीने और मरने का वादा किया था। उससे कहना, एक वादे के लिए दूसरा वादा छूट गया, भारत माता का साथ निभाने में उसका वादा टूट गया। थैंक यू गाइस। और एक मैं गाना बहुत दिन से याद किया हूँ, मुझे 6 साल हो गए, वो थोड़ा रिलीजियस सॉन्ग है। हाँ, हमें अपने धर्म को ध्यान रखना चाहिए। और तब तक के लिए मैं लीव करता हूँ, तब तक लिया ही तुम बोलेंगी, फिर मैं पैक करता हूँ। शास्त्र की किताब उठा के, बात बात पे खूब मुस्कुराते, हमारा दिन भी अच्छा बना के चलते हैं सर, जैसे लगा रहे हो रेस। नाम है वन एंड ओनली प्रोफेसर सुरेश। अब वापस से शायरी मैम को बुलाना चाहेंगे शायरी के साथ। शांत है, शालीन है, पर शब्द मैम के संगीन है। ज्ञान इतना है कि मैम के पास समाया है कि समंदर भी अपनी कैपेसिटी पे शर्माया है। बातें मैम की है संगीन, इनसे ना पढ़ना होगा सब्जेक्ट की तौहीन। मैम के नाम पे ही है होप, जैसे हो सूरज की रोशनी। सबसे अच्छी है मैम, ऑल टाइम फेवरेट प्रोफेसर किरण मैम। दो लाइन्स। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, इतना अच्छा कार्यक्रम तुम लोग कर रहे हो पहली बार हम लोगों के सम्मान में हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आज के दिन तुम लोगों को ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम सब जो है जीवन के मार्ग पे बहुत ज्यादा आगे बढ़ो। तुम लोग सब साथ पढ़ रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि सब के सब स्वावलंबी बनो और बहुत आगे बढ़ो, यही आशीर्वाद है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. अब रिया की स्पीच चल गई, आगे की तरफ देख सकते हैं। Hello. Hello. Good afternoon, respected teachers and my all friends. On this auspicious day, we are getting for celebrating Teachers Day. So here are my some words regarded to this day. Teachers Day is celebrated on the 5th September every year in honor of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was a scholar, teacher, and politician. For his contribution to the field of education. A teacher is a building block on which society is built. The responsibility of a teacher is used as they perform the job of shaping intellectual and creative minds who turn be the future of society. In Dr. Radhakrishnan's opinion, teacher should be the best mind in the country. Celebrated in his honor, Teachers Day is a big day to remember, appreciation, applaud and thanks to our teachers and his intellectual and moral guidance and support. Thank you. मैं अमन सोनकर, आज टीचर डे के उपलक्ष्य में मैं एक आपके लिए सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। मेरे चौखट पे चल के आके चारों धाम बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मैं कहानी से, नरों को आज धोले दो चरण आँखों के पानी से, बहुत खुश है मेरे आंसू की प्रभु के बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, तुमको खोने का दुख क्या है कहके के मन से पूछो, तुमको पाने का सुख क्या है कौशल्या के दर से पूछो, चरण की धूल ले लो मैं मेरे भगवान आए, बजाओ ढोल
स्वागत में मेरे घर राम आए। बहुत बहुत धन्यवाद अमन का। अब हम यहाँ पर आदित्य को वापस बुलाना चाहेंगे एक और गाने के लिए, तो तालियों से स्वागत करिए आदित्य का। ताकि गाइस मुझे फिर से बुलाया जा रहा है, गाना हम आपको सुनाएंगे। तो आप लोग महाकाल जी को जानते होंगे, हम सबके भगवान हैं, तो उनपे मैं एक गाना बहुत दिन से सीखा हूँ और गाते आया हूँ। मैं केनाईसी स्कूल में पढ़ता था तब भी ये गाना गाया था, कोई ऐसा क्लास 6 to 12। आज मैं ग्रेजुएशन में आ गया हूँ, वही गाना मैं फिर से गा रहा हूँ। शायद वो गाना याद करना सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आग बहे तेरी रग में तुझसा कहाँ, कोई जग में उड़ा रख अग्नि को ज्वाला, तू कर मिटा दे अंधेरे तू बन के कहर। वो बोलो हर 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 आदि ना अंत है उसका, ये सब गाना इनका उनका, वही है माला वही है मन का मस्त मलंग वो अपनी धुन का। तर मंत्र तंत्र ध्यानी है सर्वत के शौभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी ओंकार इसकी वाणी, इसी की वाणी। भागवत उरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी के सत्ता, विश्वकर भी अधिक अमर है महा त्यो हर हर है जपता जपता। वही शून्य है वही इका है, वही शून्य है वही इका है, वही शून्य है वही इका है जिसके भीतर बसा शिवा है। अघोराना परो मंत्र नासे त्वत्वं पुरा पराम शिवा त्राहि मम शिवा राक्ष मम महादेव जी त्वं प्राहि मम शरण नाखदम त्वं पाहि मम। आंख मूंद कर देख रहा है सात समय के खेल रहा है महादेव महा एकाकी जिसके लिए जगत है जाकी, जटा में गंगा चांद मुकुट है सौम्य कभी कभी बड़ा दिखाता है। आंख से जन्मा है कैलासी शक्ति जिसके दर्द की प्यासी, राम भी उसका रावण उसका जीवन उसका मरण भी उसका तांडव है और ध्यान भी हो ज्ञानी का ज्ञान भी हो। आंख तीसरी जब वो खोले हिले धरा और स्वर्ग डोले खून छूटे सतुजुग में नाम उसी का बम बम बोले। वही शून्य है वही का, वही शून्य है वही का, वही शून्य है वही का है जिसके भीतर बसा शिवा है। नगेंद्र हारा त्रिलोचनाए भस्मा रंगाए महेश्वराए दिग दिव्या दिव्याए दिगंबराए नमः शिवा शिवा त्राहि मम शिवा रक्ष मम महादेव जी तुम त्राहि मम शरण नागतम तुम। जय महाकाल। अभी मैं अनुराग सर और परी सर की मिमिक्री करूंगा, एक्टिंग करूंगा, आप लोग देखिएगा। इजाजत है सर? इजाजत है? ठीक है ओके मैं आ रहा हूं। मैं सुनना गाना पड़ेगा। ए लड़की तुम्हारा क्या नाम है? तिवारी नहीं चाहिए मुझे, समझे? तिवारी नहीं चाहिए मुझे। तो और तुम्हारा क्या नाम है? तिवारी नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ उपाध्याय नहीं चाहिए मुझे। तो आज हम पढ़ेंगे जातिवाद। जातिवाद क्या है? जातिवाद क्या है? लड़की तुम कहाँ गई थी? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। पांडे नहीं चाहिए मुझे। आज हम पढ़ेंगे जातिवाद। जातिवाद क्या है कोई बताएगा मुझे? जातिवाद क्या है? सुनो स्टूडेंट, अपने जाति को वोट देना ही जातिवाद है। अपने जाति को कभी वोट नहीं देना इससे जातिवाद है। और मैं आपको बता देता हूँ, इस देश को सिर्फ दो ही लोगों ने बर्बाद किया। पता है किसने? किसने? गांधी और नेहरू। यही दो ही लोगों ने देश को बर्बाद किया है। और तुम इधर आओ, तुमसे मैंने कहा पगलत बात मत किया करो ना, जब देखो तब। मैंने इतनी बार कहा है इस देश में जब तक उद्योगपतियों का बहिष्कार हुआ है तब तक देश पीछे चला गया है। हमको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स, वो कार्ल मार्क्स के पीछे पड़े थे। क्या आता था उनको? कार्ल मार्क्स, बड़े आगे कार्ल मार्क्स। ये समाजवादी विचारधारा देश को लूट ले जाएगी। और सुनो आदित्य और यूट्यूबर बेटा, अभी तुम दुनिया नहीं देखे हो, दुनिया नहीं देखे हो, तुम बहुत ज्यादा करते हो ना। और वो मनीष कश्यप, उसको बिहार सरकार ने जानबूझ के जेल में डाला।
न्यायपालिका कब से जेल देने लगी, जेल का ऑर्डर सुनाने लगी? न्यायपालिका कब से जेल के ऑर्डर सुनाने लगी? और सुनो, और वो कहां गए दोनों अंग्रेज, क्या नाम था उनका, श्रेयस और हरीश, कहां है? आज नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं वो लड़के। बोले कुछ नहीं आता उनको यार, कुछ नहीं, वो सिर्फ बहस करने आते हैं। और अभी मैं और बता रहा हूँ, रुकी अभी, आदित्य बेटा इधर आओ, बहुत ज्यादा बोलते हो ना, अभी तुमने दुनिया नहीं देखा है, तुम भी तो सपा के एजेंट हो, तुम भी तो सपा के एजेंट हो। ओ, क्या नाम था उनका, क्या नाम था, कौन से गांधी है, बहुत बड़े, अडानी अंबानी, अडानी और अंबानी को बोलते हैं ना, जब तक उद्योगपतियों का बहिष्कार होगा अपना देश कभी तरक्की नहीं करेगा। अडानी और अंबानी को, हम लोग को बिजनेस सीखना चाहिए, जो देश बिजनेस में पीछे रह गया वो अपने देश की इकोनॉमी पे पीछे रह गया। और सुनो, इतना ही नहीं, एक जो अभी लोकसभा आए थे, एक व्यक्ति था, पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, सिर्फ एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने धाराशाही कर दिया, चकनाचूर रह गए वो, चकना कुछ नहीं हो पाया उनका, वो हार गए इलेक्शन, तब भी पूरा आ गया था, पूरा विपक्ष एक साथ हो गया था, यहाँ की वहां की वहां। और ये कौन है, लाल टोपी वाले, चले गए थे, बहुत अडानी और अंबानी बोलते हैं ना, चले गए थे पत्तल चाटने ना। थैंक यू गाइस। और फिर से अफर सर की ना बच्चा, तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। तुम बताओ क्या क्या पढ़ा गया, कुछ पता है नहीं पता? अरे हम लड़कों से नहीं पूछ रहे हैं, तुम लड़कों अपने रहो, हम इन लोग से पूछ रहे हैं। और समझ गया क्या क्या पढ़ी आज, बुक वगैरह? अच्छा बोतल पानी दे, पानी नहीं है इसमें है, ठीक है। तो हम लिटरेचर आज पढ़ेंगे, हमने जैसे कहा सिलेबस खत्म कर दिया, अरे टेस्ट में कितना है, जितना हम लोग पढ़ा है उतना आएगा, ओके ठीक है, मिलते हैं। और बेटा तुम लोग को तो कुछ आता जाता नहीं, ये लड़कियों के तो आता है सब। हाँ मैं जा रहा हूँ, इन्हीं लोग को मैं दूंगा, क्या कहते हैं वो, क्या बोलते हैं, फीडबैक, ओके थैंक यू गाइस। अभी हम टीचर्स को केक कटिंग के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, केक लेकर। हेलो गाइस, हेलो, बाकी गाइस गाइस वह चलता रहेगा, नेक्स्ट प्रोग्राम आने वाला है वो गाइस केक, सब लोग बैठो यार, गाना सुनो, गाना सुनाने वाले। खाली दुखियों गरीबों का नेता हूँ मैं, युवाओं के दिल का चहेता हूँ मैं, सारी जनता का प्यार मिला है मुझे, आने वाले समय का विजेता हूँ मैं। बाकी दोस्तों अभी हम लोग गाना वगैरह गाए, सब लोग एक्टिविटी गाए, और जो हमारे क्लास के लड़के थे काफी लोग एब्सेंट थे, हमारे फ्रेंड वगैरह, फिलहाल दो लोग आए यहाँ पर, हेलो स्नेहा, ए हेलो दीपका, बाकी स्नेहा और दीपका को मैंने बुला लिया था क्योंकि गाना सुनाना था, गाना